भिलाई में आयोजित शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार की गौधन न्याय योजना की सराहना की। शनिवार को प्रदीप मिश्रा ने भिलाई के कैलाश नगर में पत्रकार वार्ता ली और पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया। इंडियन न्यूज ने पूछा कि आपने कहा था अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो किसी न किसी कंपनी में नौकर बनते हैं। इस पर प्रदीप मिश्रा का जवाब था कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे ही नौकर बनते हैं। रहे हो तो बात कहा था कि अगर बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो किसी न किसी कंपनी के नौकर बनेंगे, तो आप अपने बच्चे को स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल के साथ में उनको गुरुकुल की सभ्यता भी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। मूलतः हमारा जो संबोधन था उसको आप लोगों ने स्मरण नहीं किया होगा। जो बच्चे स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, उन्होंने सारे संसार के लोगों को गुलामी देने के लिए बनाए थे। और भारत के जो गुरुकुल होते हैं वो गुरुकुल कभी नौकर बनना नहीं सिखाते। भारत के गुरुकुल राज सिंहासन की गादी पर बिठाना सिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी को बिठाया, महाराणा प्रताप को बिठाया, दशरथ जी को बिठाया, जनक जी को बिठाया, राजगादी तक पहुंचाने का लक्ष्य हमारे गुरुकुल देते हैं। भारत की सभ्यता और भारत की विद्या देती है, ये कॉन्वेंट जो दिए हैं वो नौकर बनाना सिखाते हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा से पूछा गया कि आप संविधान बदलने की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से जवाब दिया है। बयान आया था जिसमें आपने संविधान बदलने की बात करी थी, संशोधन की बात करी थी, आपने क्यों कहा था? क्या पहली बात तो कहेंगे कि व्यासपीठ से आज तक संविधान बदलने के लिए बयान नहीं दिया गया। आप कोई भजन गा रहे हो और उस भजन की अगर कड़ी को आप निकाल लेते हो अलग से तो ये आपकी विवेकता है। हमारे यहाँ से हमारी व्यासपीठ से आज तक ये संबोधन नहीं कहा गया कि संविधान बदलिए। हमारे यहाँ भजन आप उसको सुनिए, आप भजन सुनिए, वापस सुनिए उसको एक बार, वीडियो को मुझे भी सुनाने का प्रयास करिएगा। आप मुझे सुनाइए उस वीडियो को जिसमें मैंने ये कहा हो कि संविधान बदलिए। आप उसमें वीडियो में सुनेंगे कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये भजन की लाइन है। आप उसको भजन में देखिए, भजन में ऐसे कई लाइनें आती हैं जिसको हम लोगों को आनंद के साथ गाना पड़ता है, भजन का स्मरण करना पड़ता है। अब उस भजन की लाइन को अगर कोई कैच करता है और उसमें गलती निकालता है तो दुनिया में फिर मनुष्य का शरीर ही ऐसा है कि जिसमें गलतियां छाटने के लिए ही हम लोग रहे हो तो बात। इंडियन न्यूज ने प्रदीप मिश्रा से दोबारा प्रश्न किया कि घर के एक बच्चे को आरएसएस और बजरंग दल में शामिल होने का आपने बयान दिया था, जिस पर इंडियन न्यूज ने पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनाते हैं। एक सवाल है, आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि घर का एक बच्चा आरएसएस में हो या बजरंग दल में, क्या आप बीजेपी के राष्ट्रीय मतलब स्टार प्रचारक हैं? स्टार प्रचारक तो मैं महादेव का हूँ, मूल रूप से शिवजी का प्रचार मूल रूप से हम लोगों का मूल तत्व है। उसमें ये नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लिए, जो हमारे सनातन धर्मों को पोषणता प्रदान करे। जिस पेड़ से हमको छाया मिल रही है उस पेड़ के नीचे अगर जल डालेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो फल भी दे। तो उस भाव से कहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है। इंडियन न्यूज ने पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना चला रहे हैं, उसे आप कैसा मानते हैं, जिसके बाद उन्होंने भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना की तारीफ की। गोधन न्याय योजना चलाना क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उन्होंने रायपुर के व्यासपीठ के नजदीक कहा था कि हम लोग जो नंदी होते हैं बैल, जिसको लोग काटने के लिए छोड़ देते हैं, उसको भी वो पालन कर रहे हैं। उसके लिए हमने उनको साधुवाद भी दिया था कि आपकी ये योजना बहुत सुंदर है और होना चाहिए। राजनीति के अंतर्गत अगर आप धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी जीव की रक्षा कर रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुखी नहीं। प्रदीप मिश्रा से पूछा गया कि लाखों रुपए का चंदा मिलता है, उसका आप क्या करते हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उस चंदे का सदुपयोग किया जाता है। नर से वही नारायण सिंह है, आपको इतना योगदान दे रहे, आप कितना चैरिटी करते हैं? आप देखते होंगे सीहोर में हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, लगभग 30 से 40 हजार आदमी रोज का भोजन प्रसाद वहाँ ग्रहण करता है। औषधि सेवा वहाँ पर एक छोटा चिकित्सालय है जिसमें कोई भी लगभग 48 से 50 गांव के लोग लगे हुए हैं कुबेरेश्वर धाम के आसपास में, जो वहाँ आकर अपने शरीर का जांच कराना, सेवा लेना, वहाँ से औषधि निःशुल्क रहती है, रुकने की व्यवस्थाएँ आदि कादि गादी तकिया सभी निःशुल्क रहता है।
वहाँ पर एम्बुलेंस चलती हैं, दो दो एम्बुलेंस समिति द्वारा चल रही हैं जो निःशुल्क हैं। जैसे मान लो किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो गया और कोई बाहर है, या किसी का बॉडी है या कोई तकलीफ हो गया है, तो उसको वहाँ तक निःशुल्क कोई पेट्रोल डीजल या कोई पैसा उससे नहीं लिया जाता, वो सब भुवनेश्वर धाम के द्वारा ही लिया जाता। फिलहाल प्रदीप मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में और भी कई सवालों का जवाब देते हुए शिव महापुराण के महत्व को समझाया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।